हे एवरीवन, माय नेम इज दीपेश दीवान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज खोलेंगे हम डब्बा, करेंगे अनबॉक्सिंग। तो भाई, एक ग्राफिक टैबलेट नाम की चीज़ मंगाई है, चीज़ है, मैं तो फर्स्ट टाइम देखूंगा उसको, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, ऑर्डर लेके आते हैं, ऊपर भाग के फिर करते हैं उसके अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं आपको ग्राफिक टैबलेट। लेट्स गो। नीचे आ गए हैं, चलते हैं अंदर। ऑर्डर कहाँ पे है? अच्छा, ये रहा गाइस ऑर्डर। अभी लेके चलते हैं इसको फटाफट से ऊपर। पापा लगे हैं छिनचन को बाहर बुलाने में, लेकिन छिनचन नाम नहीं ले रही बाहर आने का उसके बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर आने का, क्योंकि दिन में आराम से चैन से खींच के सोती है, मतलब शाम को 7 बजे उठेगी फिर देखेगी किससे बात करनी और किससे नहीं। A few moments later. तो ऊपर आ गए हैं, चलते हैं अंदर, करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। बस एक यहाँ से फोन, यहीं से हो जाएगा। खोलते हैं, निकालते हैं डब्बे को बाहर, क्या क्या निकलता है इसके अंदर। डब्बे में एक और डब्बा, क्या बात है। ये कहाँ से खुलेगा? अच्छा, ये यहाँ से खुलेगा शायद, फिर डब्बा। ओ वाह, डब्बे में एक और डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक और डब्बा, हमें भी डब्बा ना बना देंगे। Inspiroy, make your inspirations reality. Inspiroy RTP 700 Creative Pen Tablet है। मैं ये तो समझ में आ रहा है कि एक टैबलेट है, एक पेन है, ये शायद सेल्सुल होंगे इसके, और ये पता नहीं क्या है, ये टाइप सी कोई कनेक्टर दिख रहा है, ये केबल है, और ये पता नहीं क्या है। हाँ, ये बुकलेट है, ये बुकलेट होगी, और यहाँ लिख रखा है आपका मतलब ये कोई एप्लीकेशन वगैरह से काम करेगी, मोबाइल में अगर करना चाहो तो, है ना। हाँ, मोबाइल के लिए एप्लीकेशन है। तो चलो भाई, अब इसको खोलते हैं। भाई निकालो बाहर, देखते हैं क्या चीज निकलती है बाहर इसमें से। निकालिए इसको बाहर, निकालिए। बहुत बड़ा है, अरे तो ट्रैक पैड ना, ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, मतलब जैसे हमने ऑर्डर के टाइम देखा था ना, उस टाइम से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है ये। इसको तो साइड में रखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये रहा पेन, बहुत मोटा है, अरे समझ रहे हो? अरे ये इसका बटन भी प्रेस होता है, ये इसकी निब्स है आगे की। ओके, ये इसकी पेन की निब्स, ये OTG केबल, अगर आपको मोबाइल में इसको कनेक्ट करना है। बहुत सही, इसको आई थिंक ये ऑन करने के लिए होगा ये, ठीक है। और ये पेन स्टैंड आपका, ये उसमें रखने के लिए ना। हाँ, पेन स्टैंड, ये जाएगा जी। आगे इसकी बुकलेट, इसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है कि आपको कैसे ज्ञानी बनना है इसके हिसाब से। बुकलेट नहीं है साला, पोस्टर निकला है। क्या निकला? पोस्टर। अच्छा, कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं हुआ। देखते हैं अंदर, कुछ हमारे लिए कुछ भेजा हो इन्होंने। हाँ जरूर वो भेजेंगे भाई, कुछ नहीं मिलेगा इतनी श्योरिटी है, खाली है। नीचे अंदर से कुछ भी नहीं भेजा, अंदर कुछ अडॉप्टर निकले, हाँ लैपटॉप का चार्जर निकल जाए, एप्पल का। क्या बढ़िया था गुरु। भाई बात ऐसी है, ग्राफिक टैबलेट बाहर तो निकाल लिया, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है अभी तक तो खैर कुछ पता नहीं है, तो कनेक्ट करके देखते हैं कि चलता कैसे, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। हम खुद पहली बार चला के देखेंगे इसको कि कैसे काम करेगा, आपको भी दिखाएंगे कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं, लैपटॉप और टैबलेट के बीच में कनेक्शन आने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई। बॉय, ओके, ग्राफिक टैबलेट या फिर आप इसको पेन टैब भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें भाई आप देख रहे हो, आप कैसा लग रहा है आपको ये? भाई लैपटॉप से भी बड़ा है ये, 11 into 6.5 आपकी लॉन्ग है और 6.5 इसकी हाइट होगी। इसमें कोई ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, तो ये केबल से कनेक्ट होता है, यहाँ से हमने केबल, ये जैसे ही आप इसमें प्लग इन किया तो उसी टाइम ही कीबोर्ड सेटिंग असिस्टेंस इसमें आ गया। तो पहले हम चला के देखेंगे, अगर वो चल गया तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं चला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी फार्म का। 2000 years later. तो गाइस हमने सीख लिया है कैसे काम करता है ये कंप्लीट पूरा, तो अभी आपको भी दिखा देते हैं कि भाई बहुत सही चीज़ है। हमने तो सोचा था पता नहीं कैसे यूज होगी, कैसे चलेगी, पर आप समझ में आने के बाद यार बहुत सही लग रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल, बाय का लिख दे, सब्सक्राइब माई चैनल।
और भाई ये बेसिकली टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वीडियोस बनाते हैं इंफॉर्मेशनल या फिर स्टडी बेसिस पे वो नोट्स बनाने के लिए, तो वो बहुत सही है। पेंटिंग करने के लिए बहुत सही है ये। मेरे हिसाब से इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है, 6,490 रुपये का आया है ये हायोन का। तो ये थी गाइस कंप्लीट अनबॉक्सिंग पेंटा ग्राफिक टैबलेट की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इस छोटे से योगदान को आप एक ऑनलाइन डोनेशन समझ के कर दीजिए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।